आत्मसात करने के लिए किसी हीरो के न होने से छोटे शहरों के खिलाड़ियों के लिए अपनी अलग स्टाइल बना पाना आसान हो गया। उनके कंधों पर भूतकाल का कोई बोझ नहीं था। कपिल देव गेंद फेंकने के लिए जब आते तो लगभग 400 मीटर का काफी मजबूत और ताकतवर रनअप लेकर आते। इसके बाद एक बड़ी सी छलांग लेते और अपनी सारी ताकत बल्लेबाज की ओर झोंक देते। ये छलांग कपिल देव की पहचान बन गई, जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। बाद में समझ आया था कि ये छलांग असल में मेरी गलती थी। मेरे कोच को लगता था कि इससे मेरी स्पीड बढ़ेगी, लेकिन इसकी वजह से मेरे घुटनों पर जोर पड़ता था, जो इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छी चीज नहीं थी, कपिल कहते हैं। इन सब के बावजूद कपिल के करियर में जो चीज सबसे ज्यादा दिखाई देती है वो है उनकी शारीरिक फिटनेस। उन्होंने 15 सालों में 113 टेस्ट मैच खेले। उन्होंने अपने करियर में बस एक मैच मिस किया, जब उन्हें 1984 में एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला था और उन्हें ड्रॉप कर दिया गया था। उनके सभी रिकॉर्डों में यह सबसे ज्यादा हैरतअंगेज रिकॉर्ड है। एक फास्ट बॉलर इंडिया की गर्मी और नमी से भरे मौसम में लगातार बिना रुके गेंदबाजी करता रहा, इसने उन्हें इंडिया का मैराथन मैन बना दिया। यहीं पर बचपने में चंडीगढ़ में मिली घंटों की ट्रेनिंग काम आई। हम दिन भर में कम से कम 6 घंटे बॉलिंग करते थे, सर्दी हो या गर्मी, और जब मैं बॉलिंग नहीं कर रहा होता था मैं दौड़ता था। इसने मेरे पैरों को मजबूत कर दिया। आप बिना मजबूत पैरों के तेज बॉलिंग नहीं कर सकते, कपिल इतने ज्यादा समय तक लगातार क्रिकेट खेलने के बारे में बताते हैं। कपिल देव का ट्रेनिंग के दौरान जो पार्टनर था वो चंडीगढ़ का एक और मजबूत शख्स था, योगराज सिंह। योगराज का बेटा युवराज सिंह आगे चलकर इंडिया के लिए क्रिकेट खेलने लगा और जिसे देश में बेपनाह प्यार मिला। अगर कपिल की देह दौड़ने वाले एथलीट की सी थी तो योगराज का शरीर भाला फेंकने वाले की तरह था। योगराज सिंह बताते हैं, मैं उससे 2 साल बड़ा था लेकिन हम भाई जैसे थे। मैं उसे रोज उठाता था और हम मैदान एक साथ जाते थे, फिर हम एक साथ तेज बॉलिंग करते और सारे बल्लेबाजों को डरा के रखते। हम एक बार मैच खेलने पटियाला गए थे। हमें मालूम चला कि सामने वाली टीम के कई प्लेयर्स मैच नहीं खेलना चाहते थे, क्योंकि उन्हें मालूम चल गया था कि योगराज और कपिल उन्हें बॉलिंग करने वाले थे। अगर कपिल अपना मन बना चुके थे तो योगराज को एक बिगड़ा हुआ लड़का कहा जाता था। कई सालों बाद जैसिका लाल मर्डर केस में योगराज का नाम आता है। कहा जाता है कि योगराज ने सबूत पिटाने में आरोपित की मदद की थी, लेकिन 1970 के दशक में दोनों साथ में भारत के लिए गेंदबाजी करने के अपने सपने को पूरा करने में सफल हो गए थे। दोनों घंटों तक एक साथ ट्रेनिंग करते थे, यहां तक कि चंडीगढ़ की गलियों में एक साथ, योगराज के शब्दों में, दो पागलों की तरह दौड़ते। अगर कपिल ने 2 रोटियों से ज्यादा मांगी थी तो योगराज को भी फास्ट बॉलर वाला खाना चाहिए था। कपिल और मैं एक साथ बेंगलुरु और मुंबई में एक ही अंडर-19 कैंप में थे। मैंने वहां बता दिया था कि शेर घास नहीं खाता है, हमें अपना मीट और चिकन चाहिए होता था। अगर वो हमें नहीं देते थे तो हम तब खा लेते थे जब कोई देख नहीं रहा होता था, योगराज ने कहा। योगराज कहते हैं कि उन्होंने अपने पिता से कहकर कैंप में 5,000 रुपए मंगाने शुरू कर दिए। वो पैसा मैं और कपिल बांट लेते थे, फिर हम जितना मर्जी बटर चिकन खा सकते थे। और एक बार जब मोइनुद्दौला टूर्नामेंट के दौरान हमें बताया गया कि हम जितना मर्जी खा सकते थे तो हमने इतना खाया कि हमारे कैप्टन अंशुमन गायकवाड़ ने हमें आदमखोर कहना शुरू कर दिया। लेकिन योगराज और कपिल का एक साथ बॉलिंग करने का सपना बहुत जल्द टूट गया जब कपिल 19 साल में भारत के लिए टेस्ट मैच खेलने जा रहे थे और 21 के होते होते घर जाने लगे। योगराज ने 1980 में एक टेस्ट खेला और फिर गायब होते चले गए। ये एकदम वैसा ही था जैसा कुछ साल बाद सचिन और कांबली के साथ हुआ था। इन दोनों के बीच भी कुछ खटास सी पैदा हो गई। योगराज ने तो यहां तक कह दिया कि कपिल उनसे जलते हैं, और चंडीगढ़ जहां एक सलीके का टर्फ विकेट भी नहीं था, अचानक एक नहीं दो दो सुपरस्टार बन सकने वाली ताकतों का घर बन गया था। ये बता रहा था कि बहुत जल्द वहां सब कुछ बदलने वाला था, जबकि पंजाब का पुत्र योगराज अपना वायदा पूरा नहीं कर पाए। कपिल ने अपनी 6 फुट की देह से हर वो काम किया जिसने उन्हें हरियाणा हरिकेन बना दिया। वो ऐसे क्रिकेटर बने जिसने भारतीय क्रिकेट को बदल कर रख दिया। 1978 में मेरे पिता दिलीप सरदेसाई की रिटायरमेंट के बाद खेला जाने वाला बेनिफिट मैच था। 3 पाकिस्तानी खिलाड़ी जो 17 सालों में पहली बार भारत में खेलने जा रहे थे इस मौके का खास आकर्षण थे। इनमें सरफराज नवाज भी थे जिनकी घनी मूछें उनके पाकिस्तानी जनरल होने का आभास दिलाती थीं। टीमें मुंबई से अहमदाबाद ट्रेन से ले जाई जा रही थी जब ऑटोग्राफ के लिए पागल जनता सरफराज के पीछे भाग रही थी। कपिल देव चुपचाप एक कोने में बैठे हुए थे। अशोक मनकर ने कपिल की ओर इशारा करते हुए कहा, आपको इसका ऑटोग्राफ भी लेना चाहिए, ये एक फास्ट बॉलर है और बहुत जल्द ही इंडिया के लिए खेलेगा। नवाज के चेहरे पर एक अहंकार भरी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, तो आप कह रहे हैं कि इंडिया में फास्ट बॉलर्स भी होते हैं। शांत और चुपचाप बैठे कपिल ने कुछ भी नहीं कहा। उस साल के अंत में कपिल भारत की टीम में थे और पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे थे। कपिल देव की पाकिस्तान में पहली सीरीज बहुत खास नहीं रही। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने इंडियन स्पिनरों की धज्जियां उड़ा दी और कपिल को 3 मैचों में मात्र 1 विकेट मिला। लेकिन हाँ, वो झलकियां भी देखने को मिली जो उनके अंदर छिपे बेहतरीन बॉलर की कहानी बयां कर रही थी। एक मैच में
उन्होंने एक ऐसी यॉर्कर फेंकी कि पाकिस्तानी ओपनिंग बैट्समैन सादिक मोहम्मद को हेलमेट पहनना पड़ा। पूर्व इंडियन ओपनर चेतन चौहान कहते हैं, सामने वाली टीम का बैट्समैन इंडियन फास्ट बॉलर के सामने हेलमेट पहने, ऐसा इससे पहले कभी भी सुनने को नहीं मिला था। हरियाणा से आए इस नए लड़के ने सिर्फ बल्ले से ही नहीं गेंद से भी छाप छोड़नी शुरू कर दी थी। उसकी टीम के कप्तान बिशन सिंह बेदी एक किस्सा सुनाते हैं जो कमाल का है। लाहौर में दूसरे टेस्ट में बेदी ने कपिल को नाइट वॉचमैन के रूप में जाने को कहा, तू बस खेल जा आज भर के पुत्र, उन्होंने कपिल से कहा। कपिल गए और 12 गेंदों में 20 रन ठोक दिए और मुस्कुराते हुए पवेलियन वापस आ गए। बेदी ने कपिल से कहा, अरे लेकिन मैंने तुम्हें आराम से खेलने को कहा था। कपिल ने कहा, लेकिन पाजी मुझे तो बस गेंद को मारना ही आता है, डिफेंड करना नहीं। पूरा ड्रेसिंग रूम हंस रहा था। कपिल ने असल में कभी भी नाइट वॉचमैन नाम की चीज नहीं सुनी थी। कपिल ने अपना करियर हरियाणा के लिए नंबर 11 पर बैटिंग करने से शुरू किया था। अब वो अचानक एक ऑलराउंडर कहलाने लगे थे। मैं तो टेस्ट मैच खेलने के बाद बैट्समैन बना, उससे पहले तो मैं खुद को बस एक बॉलर समझता था। मेरे लिए बॉलिंग ही सब कुछ था, बैटिंग तो बस मजे के लिए करते थे, वो काफी सहज होने की कोशिश करते हुए कहते हैं। कराची में खेले गए अगले मैच में जब इमरान खान के नेतृत्व में पाकिस्तानी बॉलर्स कपिल को बाउंसर फेंक फेंक कर आउट करना चाहते थे, कपिल ने 33 गेंदों में अपना पहला अर्धशतक जड़ दिया। कपिल ने सरफराज की गेंद पर छक्का मारा और कुछ ही महीने पहले ट्रेन के सफर के दौरान सरफराज के कमेंट का जवाब दिया। कपिल कहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि इससे पहले कभी पाकिस्तानी पेस बॉलर का किसी इंडियन बल्लेबाज ने इस तरह से सामना किया था कि उनके बाउंसर पर हुक शॉट मारे जा रहे थे। मुझे लगता है कि उस दिन कराची में मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि मैं टेस्ट क्रिकेट के लिए बना था, एक मीडियम फास्ट बॉलर और बैट्समैन जो लोहे को लोहे से काटे जाने में विश्वास रखता था और सारी लड़ाइयां लड़ने को तैयार था। वो एक हीरा था जो भारतीय क्रिकेट की झोली में अभी अभी आ गिरा था। भारत उस सीरीज में 2-0 से हारा, लेकिन बस एक ही साल में कपिल ने अपना बदला ले लिया था। जो हीरा मिला था अब वो तराशा जा चुका था। 1989-80 में हुई घरेलू सीरीज में पाकिस्तान के खिलाफ कपिल देव ने 32 विकेट लिए और बेहद जरूरी मौकों पर रन बनाए। इसी दौरान वो टेस्ट मैचों में 100 रन और 100 विकेट्स लेने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। चेन्नई की तपा देने वाली गर्मी में कपिल ने 11 विकेट चटकाए और 84 रन बनाए। अगर पाकिस्तानी बल्लेबाज कभी इंडियन स्पिन अटैक को कुछ नहीं समझते थे तो अब कपिल देव की फास्ट बॉलिंग उनके पुराने हो चुके बल्लेबाजों को जल्दी रिटायर्ड होने पर मजबूर कर रही थी। किरमानी कहते हैं, उस सीरीज में कपिल ने जहीर अब्बास और मजीद खान जैसे खतरनाक बल्लेबाजों को बेहद मामूली महसूस करवाया। सैयद किरमानी विकेटकीपर के तौर पर आखिरकार एक तेज बॉलर के सामने अपनी कीपिंग के मजे ले पा रहे थे। मजेदार बात यह है कि कपिल के पहले 34 मैचों में किसी भी विपक्षी ओपनर जोड़ी ने एक बार भी शतकीय साझेदारी नहीं की। कपिल देव को किस बात ने असाधारण बनाया? नई गेंद वाले उनके साथी मदन लाल कहते हैं कि कपिल का एक्शन और बाहर निकलती उनकी स्वाभाविक गेंदें उनका मुख्य हथियार थीं। टेस्ट मैचों में आउटस्विंगर एक दमदार हथियार होती है और कपिल के पास वो गेंद थी। मदन कहते हैं, मैंने कपिल से उनके आउटस्विंगर के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, मुझे लगता है ये भगवान का गिफ्ट है। दुनिया को ऐसा लगता था कि कपिल चंडीगढ़ से आने वाला वो लड़का था जो बड़े आराम से टेस्ट क्रिकेट में ढल गया और वो एक टैलेंटेड क्रिकेटर था जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकता था। मगर सच तो ये है कि वो हर वक्त क्रिकेट के बारे में सोचा करते थे। जैसे कि मुझे मालूम था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स बैकफुट पर बहुत बढ़िया खेलते थे, लेकिन उन्हें बाहर निकालो तो वो आउट हो जाते हैं। मैंने उन्हें बाहर निकालने का प्लान बनाया और वो प्लान काम कर गया। वो बताते हैं, आगे आने वाले समय में कपिल ने अपने तर्कश में इन स्विंगर नाम का तस्वीर भी शामिल कर लिया। ये उन्होंने इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलते वक्त सीखा। अब वो बल्लेबाजों के लिए और भी मुश्किल गेंदबाज बन गए थे। कपिल के एक और गेंदबाजी के पार्टनर कार्सन खावरी कहते हैं कि कपिल की सबसे बड़ी ताकत उनकी हार न मानने की आदत थी। मैंने कपिल से ज्यादा जुझारू खिलाड़ी कभी नहीं देखा। वो भरी दोपहर में 10-12 ओवर फेंक देगा और थकान की कतई शिकायत नहीं करेगा। फिर वो दिन के अंत में आकर भी कुछ ओवर कर देगा। ये बहुत सारी फिटनेस और मजबूती मांगता है, घावरी कहते हैं। ये बात सभी की नजर में तब आई जब 1981 में वो मेलबर्न में एक बेहद अच्छा मैच जीते थे। उस मैच की चौथी पारी में ऑस्ट्रेलिया को 143 रन चाहिए थे, लेकिन उन्हें 83 रन पर ही ऑल आउट कर दिया गया था। कपिल देव ने 16 ओवर में 28 रन दिए और 5 विकेट चटकाए, लेकिन असली कहानी नंबर्स नहीं बताते हैं। मैच के चौथे दिन कपिल देव पैर की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण चल भी नहीं पा रहे थे। मैच के पांचवें दिन वो दर्द कम करने वाली दवाइयां लेकर खेलने उतरे थे। मुझे मालूम था कि टीम को मेरी जरूरत थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं जाकर कुछ ओवर्स फेंकूंगा। 5 ओवर फेंक लेने के बाद कैप्टन गावस्कर ने मुझसे पूछा कि क्या मैं आराम करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि नहीं, अगर हम मैच जीतते हैं तो मैं दर्द सहने के लिए तैयार हूँ। जीत के बाद कपिल दर्द के मारे ड्रेसिंग रूम में गिर पड़े थे। उनके कौशल पर किसी को भी शक नहीं था, लेकिन इस घटना के बाद उन्हें साहस की कसौटी माना जाने लगा। आज भी घावरी को उस प्रदर्शन को याद कर अचरज होता है।
वो हमारी जीत के लिए एक पैर से दौड़कर गेंद फेंक रहा था। कपिल देव का कद बढ़ रहा था, अब वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडरों में से एक गिने जा रहे थे। 80 के दशक की शुरुआत में 4 ऑलराउंडर विश्व क्रिकेट में छाए हुए थे। इंग्लैंड के पास इयान बॉथम थे, एक शानदार व्यक्तित्व जो जब हाथ में बल्ला पकड़ता था तो लंदन के पब खाली हो जाया करते थे। न्यूजीलैंड के पास रिचर्ड हेडली थे, जिनके कंधों पर एक छोटे से क्रिकेट खेलने वाले देश की आशाएं थी। पाकिस्तान के पास इमरान खान थे, वो क्रिकेट के पोस्टर बॉय थे जो देखने में बड़े आकर्षक थे। और हमारे पास हरियाणा का तूफान था जिसका जोश हम बढ़ाते रहते थे। क्रिकेट फैंस के बीच इन सभी की काबिलियत की तुलना करना एक अच्छा टाइम पास बन गया था। एक पाकिस्तानी दोस्त से मेरी बातचीत ही लगभग बंद हो गई थी क्योंकि इमरान खान बनाम कपिल देव के मुद्दे पर हमारी गर्मा गर्म बहस हो गई थी। कपिल खुद अपना विश्लेषण करते हुए इन 4 लोगों की लिस्ट में सबसे टॉप स्पॉट के बारे में कहते हैं। बॉथम सबसे अच्छे बैट्समैन थे, हेडली बेस्ट बॉलर, इमरान बेस्ट कप्तान थे और मुझमें शायद सबसे अच्छा नेचुरल टैलेंट था। 1970 का दशक अगर गावस्कर की बैटिंग के इर्द गिर्द घूम रहा था तो कपिल ने 80 के दशक में काफी कुछ परिभाषित किया। गावस्कर ने अगर भारतीय क्रिकेट को यह हौसला दिया था कि वो दुनिया की सबसे अच्छी गेंदबाजी के सामने मजबूती से खड़े हो सकते हैं, तो कपिल नए आक्रमक, कभी हार न मानने वाले इंडियन क्रिकेट के जज्बे की निशानी थे। अगर गावस्कर हर बैटिंग रिकॉर्ड तोड़ रहे थे तो कपिल एक बॉलर और एक ऑलराउंडर के तौर पर आगे कदम बढ़ा रहे थे। इनमें से एक ऐसा था जो तकनीकी रूप से जीनियस का दर्जा प्राप्त कर चुका था और परंपरागत क्रिकेट प्रेमियों की पसंद था। वो ऐसी बैटिंग करता था मानो मोहम्मद रफी कोई गजल गा रहे हो। दूसरा आजाद पंछी था जो वो सब कर सकता था जो सोचा भी नहीं गया होगा। पड़ोसन फिल्म में गाए गए किशोर कुमार के मशहूर गाने की तरह गावस्कर इस देश का मान सम्मान थे। उन्हें देखने के लिए वो लोग जाते थे जो उन सीटों पर बैठते थे जहां बैठने के लिए आपको महंगे कपड़े पहनने होते थे। कपिल उन लोगों के चहेते थे जो सिनेमा हॉल में स्टॉल की शुरुआती सीटों के टिकट का खर्च ही उठा पाते थे। गावस्कर के फॉरवर्ड डिफेंस की तस्वीर भले ही आपके घर के मुख्य दीवार पर टंगी होगी, लेकिन कपिल की बॉलिंग करने से ठीक पहले वाली छलांग के पोस्टर लोकल पान बीड़ी की दुकानों में मिलते थे। कॉन्वेंट में पढ़े मिडिल क्लास महाराष्ट्र से क्रिकेट की सत्ता अब डीएवी स्कूल चंडीगढ़ में पढ़े हरियाणा के बेहद जमीनी खिलाड़ी के पास आ रही थी। क्रिकेट आखिरकार क्लास और क्षेत्र के बंधनों को तोड़ रहा था। गावस्कर और कपिल देव को दर्शक किस तरह से देख रहे थे इसका अंदाजा पॉमोलिव शेविंग क्रीम के विज्ञापन से लगाया जा सकता है। 70 के दशक में गावस्कर एक स्क्वायर ड्राइव मारते हुए दिखते हैं और अंग्रेजी में एक टैगलाइन लिखी थी। जब गावस्कर स्क्वायर ड्राइव को परफेक्ट कर रहे थे, पॉमोलिव उनकी शेविंग को परफेक्ट बना रही थी। वो ब्रांड उस वक्त गावस्कर में उस क्लासिकल खासियत की नुमाइंदगी करता था जो परफेक्शन की उनकी तलाश में दिखाई पड़ती थी। कपिल के विज्ञापन में चमकते दांतों के साथ खड़े कपिल दिखाई देते थे और टैगलाइन बदलकर हो चुकी थी, पॉमोलिव दा जवाब नहीं। बात महानगरों की नफासत से हटकर छोटे शहर के हीरो तक आ गई थी। अब बात अंग्रेजी से आम बोलचाल की भाषा में हो रही थी और इसका बाकायदा संज्ञान लिया जा रहा था। ये सत्ता का वो स्थानांतरण था जो 1980 के दौर में राजनीति में साफ दिखाई पड़ रहा था। उस वक्त शिष्ट अंग्रेजी बोलने वाले नेहरू लीग के स्वाधीनता के ठीक बाद जमने वाले नेतागण जा रहे थे और उनकी जगह एक नई खेप आ रही थी जो जातिवाद और परिवारवाद के दम पर उस स्थिति में नहीं पहुंची थी। दक्षिण में एंटी रामाराव और उत्तर में लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव जैसे रहनुमाओं का उदय देश के उन वंचित सामाजिक समूहों के एक नए लोकतांत्रिक सशक्तिकरण की मिसाल था जो अभी तक हाशिए पर थे। एक मजेदार वाकया है, बेजोड़ लालू प्रसाद यादव ने मुझे एक इंटरव्यू में कहा था, तुम्हारे पास अंग्रेजी क्लास है और हमारे पास हिंदी मास है। कपिल कहते हैं कि उन्हें कभी भी इस बात पर शर्म या झिझक नहीं महसूस हुई कि वो फर्राटेदार अंग्रेजी नहीं बोल पाते। वो अपनी हरियाणा वाली हिंदी में बात करना ज्यादा पसंद करते थे। वो याद करते हैं, मुझे याद है जब पहली बार भारत का कप्तान बनाया गया था तो बोर्ड के एक अधिकारी ने मुझसे कहा मैं इसके बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में न जाऊं क्योंकि वहां अंग्रेजी में सवाल पूछे जाएंगे। मैंने उसे कहा तुमने मुझे इसलिए कप्तान बनाया है क्योंकि मैं अच्छा क्रिकेट खेलता हूं, इसलिए नहीं कि मुझे अंग्रेजी सीखने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाना चाहिए था। यहां तक कि कपिल के भावी ससुराल वाले भी शुरुआत में अपनी बेटी की शादी उनसे करने में हिचक रहे थे क्योंकि कपिल की छवि देहात से आने वाले एक गांवी लड़के की थी। रोमी मुंबई की एक शांत अंग्रेजी बोलने वाले परिवार से आती है, जबकि मैं तो बाहरी था जो ज्यादा पैसे वाला भी नहीं था, लेकिन अंत में प्यार ने सब कुछ जीत लिया। 22 साल की उम्र में शादी कर लेने वाले कपिल एक मुस्कान के साथ कहते हैं, रोमी देव जो ये कबूल करती हैं कि वो कोई क्रिकेट फैन नहीं है, कहती हैं कि वो पहली बार कपिल से अगस्त 1978 में मिली थी जब वो भारत के लिए खेले भी नहीं थे। मुझे कतई शर्म नहीं आई थी कि कपिल को मेरे मुंबई के दोस्तों की तरह अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी। मुझे लगता है कि वो काफी आसान वक्त था और कपिल का आत्मविश्वास इस कदर था कि अगर उनके अंदर कोई खामी थी तो भी वो दिखाई नहीं पड़ती थी। और जहां तक बात थी घरवालों को मनाने की, हम अपने फैसले पर टिके रहे थे। 1981 में शादी के कुछ ही दिन बाद दोनों इंग्लैंड के लिए चल पड़े जहां कपिल को लंकाशायर लीग में खेलना था। उन दिनों में भारत के टॉप प्लेयर्स भी कुछ हजार पाउंड्स के लिए
इंग्लैंड में गर्मियां बिताते थे। रोमी याद करते हुए कहती हैं, हमने शुरुआत में जिमी यानी मोहिंदर अमरनाथ और उनकी पत्नी के साथ एक कॉटेज शेयर किया। वो लोग इंग्लैंड में रहने के आदी थे। पहली बार मुझे खुद अपना खाना बनाना होता था। वो कतई आसान नहीं था। मैंने जब पहली बार राजमा बनाना चाहा, तो कुकर का ढक्कन ठीक से बंद नहीं हुआ था और सारा राजमा किचन में फैल गया। कपिल बताते हैं, ये तो रोने लगी थी। फिर मैंने से कहा कि परेशान मत हो, तुमने जैसी शुरुआत की है वहां से जो होगा बेहतर ही होगा। आज सभी इंडियन क्रिकेटर आलीशान जगहों में रहते हैं। एक भारतीय क्रिकेटर का दूसरे क्रिकेटर परिवार के साथ इंग्लैंड के किसी गांव में घर शेयर करने की खबर कितनी अजीब लगती है। 1980 में क्रिकेट पैसों से लद जाने वाला खेल बनने से कुछ कदम ही दूर था, लेकिन कपिल इसे अपने ही अंदाज में बताते हैं। कुछ ऐसे वक्त आए जब चीजें बिखरती दिखी, लेकिन प्यार किया तो डरना क्या हमारा सिद्धांत था और हम उसी पर डटे रहे। मैदान में और मैदान से बाहर बेहद आसानी के साथ मुस्कुराते हुए छक्का मार देने की इस कला ने ही कपिल को करोड़ों लोगों का पसंदीदा क्रिकेटर बना दिया। लेकिन उनकी जवानी में वो दिन अभी भी आना बाकी था जो उनकी जिंदगी और पूरे देश को एक बार फिर पलट के रख देने वाला था। भारतीय क्रिकेट के इतिहास को दो हिस्सों में बांटा जाना चाहिए, 1983 की वर्ल्ड कप जीत के पहले और जीत के बाद। इंडियन क्रिकेट 25 जून 1983 को हमेशा के लिए बदल चुका था। उस दिन भारत ने कपिल की अगुवाई में लॉर्ड्स मैदान में वर्ल्ड कप जीता था। इस वर्ल्ड कप से पहले दो टूर्नामेंट्स में इंडिया ने मात्र एक मैच जीता था, वो भी ईस्ट अफ्रीका के खिलाफ। भारत के महान ओपनर सुनील गावस्कर ने 60 ओवर के मैच में एक बार 36 रन बनाए थे। इस इनिंग ने इंडिया का वनडे मैचों से डर उजागर कर दिया था। इक्का दुक्का जीतों के अलावा भारत उपमहाद्वीप के बाहर काफी बुरा प्रदर्शन किया करता था। क्रिकेट पूरे राष्ट्र पर छाया हुआ करता था, मगर खिलाड़ी जरूरत से ज्यादा महिमामंडित किए जा चुके अनुभवहीन खिलाड़ी थे जो आर्थिक सहायता के लिए बोर्ड पर आश्रित रहा करते थे। लॉर्ड्स की धूप में 7 घंटे के खेल ने इसे बदल दिया। उस ऐतिहासिक जीत के बारे में न जाने कितना और क्या क्या लिखा जा चुका है। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम बनाम कहीं भी न ठहरने वाली भारतीय क्रिकेट टीम। 1980 की शुरुआत में वेस्टइंडीज की टीम अपने आप एक परिघटना हुआ करती थी। इस वेस्टइंडीज की टीम में कैरिबियन जुझारूपन था और विपक्षियों का निर्ममता से नाश कर देने की ताकत थी। वो सामने वाली टीम को सिर्फ हराते नहीं थे बल्कि उन पर ऐसे धावा बोलते थे जैसे हैवीवेट चैंपियन नौसिखियों को पीटने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो पहले 2 वर्ल्ड कप जीत चुके थे। उनकी सफलता के पीछे जानलेवा फास्ट बॉलिंग थी और भयानक टैलेंट से भरा बैटिंग लाइनअप, जिसकी सबसे अगली कतार में दुनिया के महान बल्लेबाज सर विवियन रिचर्ड्स खड़े थे। किसी ने भी उनकी हार के बारे में नहीं सोचा था, शायद कट्टर भारतीय समर्थकों ने भी नहीं। मैं उस दिन लॉर्ड्स मैदान में मौजूद था। ये वो दिन था जो मेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा दिन बनने वाला था। हमने निराश हो चुके इंग्लिश फैंस से टिकट खरीदा था जिन्होंने अपनी टीम को भारत के हाथों हारते हुए देखा था। मेरे साथ भारतीय खिलाड़ी यजुवेंद्र सिंह थे जिनके पास टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा कैच लेने का रिकॉर्ड हुआ करता था। जब भारत ने पहले बैटिंग करते हुए मात्र 183 रन बनाए, यजुवेंद्र ने मैच देखना छोड़ दिया। उन्होंने कहा, मेरी पत्नी चाहती है कि मैं शॉपिंग के लिए उसके साथ जाऊं। मैं अब यहां रुककर भारत को हारते हुए नहीं देखना चाहता। यहां तक कि कपिल की पत्नी रोमी भी आधे मैच में उठकर चली गई थी। जितनी भी बार विव रिचर्ड्स चौका मार रहे थे, मेरे आसपास मौजूद वेस्टइंडीज कूदते नाचने लगे थे, वो चिल्ला रहे थे और ये सब कुछ बहुत बुरा लग रहा था। तो हमने भी सोचा कि हम अपने होटल रूम में चले जाते हैं। उन्होंने कहा, ये एक बुरा फैसला था। भारत मैच जीत गया। वेस्टइंडीज की मजबूत टीम मात्र 140 रनों पर आउट हो गई और क्लाइव लॉयड की जगह कपिल देव ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाई। मोहिंदर कहते हैं, मुझे लगता है कि अगर हम वेस्टइंडीज से 10 मैच खेलते तो एक ही जीतते। हम बस सही दिन पर वो फाइनल मैच खेल रहे थे। कीर्ति आजाद बताते हैं कि बैटिंग खत्म होने के बाद कपिल ने टीम को संबोधित करते हुए कहा, जवानों, हमारे पास शायद जीतने लायक स्कोर नहीं है, लेकिन लड़ने लायक टोटल जरूर है। चलो लड़ते हैं। ये खालिस कपिल की बात थी, ये उस कपिल देव की कही बात थी जो एक लड़ाका था और जिसे हार मानना नहीं आता था। कपिल देव की इस दिन की अपनी फेवरेट कहानी है। मैच खत्म होने के बाद कपिल देव वेस्टइंडीज के ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों से हाथ मिलाने गए। उस कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। उन्हें अपनी हार पर विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे वहां शैंपेन की बोतलें दिखाई दे रही थी जो उन्होंने जश्न मनाने के लिए मंगवाई थी। मैंने लॉयड से पूछा कि क्या मैं 1-2 बोतलें ले जा सकता हूं, क्योंकि हमने एक भी खरीदी ही नहीं थी। वो कुछ बुदबुदाए और हमने तुरंत ही बोतलें उठा ली और पूरी रात अपनी जीत का जश्न मनाया। अगली सुबह जब हमने अखबार उठाया तो हमें ये एहसास होना शुरू हुआ कि हम विश्व विजेता थे। कपिल देव याद करते हुए बताते हैं, रोमी देव बताती हैं, मुझे लगता है कि उस दिन वेस्ट मोरलैंड होटल जो लॉर्ड्स के नजदीक ही था और जहां भारतीय टीम रुकी हुई थी, मिनी इंडिया बन गया था। पूरी रात भांगड़ा हो रहा था और लड्डू बांटे जा रहे थे। कप्तान होने के नाते कपिल देव वर्ल्ड कप की उस जीत के मुख्य किरदार बन गए, जो बहुत बड़ी नीतियां नहीं बनाते थे लेकिन उनकी सकारात्मक सोच संक्रामक थी। मैंने पहले दिन से ही टीम को यह बताया हुआ था कि अपने खेल को एंजॉय करें,
और ईमानदारी से अपना सब कुछ लगा दें, क्योंकि हमारे पास खोने को कुछ था ही नहीं। भारतीय टीम की जीत की संभावनाएं 66 में से एक थी। कई खिलाड़ियों ने तो पहले राउंड के बाद ही अमरीका घूमने के लिए फ्लाइट्स भी बुक करवा ली थी। हमने तो सेमीफाइनल खेलने के बारे में नहीं सोचा था, और आप फाइनल की बात कर रहे हैं। हमने अपने अपने परिवार के साथ छुट्टियां प्लान कर ली थी, लेकिन जब हमने पहले राउंड में वेस्टइंडीज को हरा दिया था तो हमें लगने लगा कि हम कुछ भी कर सकते थे। कपिल अपनी 1983 की यात्रा के बारे में बताते हुए कहते हैं, हालांकि रनिंग पॉइंट था जिम्बाब्वे के खिलाफ वो मैच, जिसमें कपिल देव ने लोगों को सिखाया कि मैच कैसे जितवाया जाता है। ट्यूनब्रिज वेल्स में थोड़े से हरे विकेट पर जिम्बाब्वे के बॉलर्स ने इंडिया के 17 रनों पर 5 विकेट ले लिए थे। फिर कपिल देव बैटिंग करने आए। मैं सुबह वर्कआउट करने के बाद शॉवर ले रहा था, और जब तीसरा विकेट गिरा तो मैं तौलिए में था। मैंने जल्दी से कपड़े और पैड्स पहने। जब पांचवा विकेट गिरा तो मैंने रोजर विन्नी को कहा कि वो बस टिका रहे और सारे ओवर खेल डाले। वो तो आखिरी के 10 ओवर में मैंने सोचा कि अब थोड़ा चांस लेकर देखता हूँ। फिर मैंने मारना शुरू किया। वो शायद मेरा लकी दिन था। वो किस्मत से कुछ ज्यादा ही था। कपिल ने उस दिन रिकॉर्ड तोड़ 175 रन बनाए, जिसमें 16 चौके और 6 छक्के शामिल थे। मदनलाल, जिन्होंने उस दिन कपिल के साथ बैटिंग की थी, बताते हैं, हर छक्का एकदम क्लीन हिट था। हर बार बॉल बाउंड्री के काफी पार जाकर गिरी थी। उस पारी ने बताया कि भारतीय क्रिकेट के लिए कपिल देव क्या मायने रखते थे। सिर्फ वही ऐसा क्रिकेट खेल सकते थे जिसमें अटैक को सबसे अच्छे डिफेंस के रूप में पेश किया जाए। 1975 में गावस्कर के दर्द भरे 36 नॉट आउट से 1983 में कपिल की आतिशी बैटिंग का सफर तय करते हुए भारतीय टीम आखिरकार वनडे मैचों के लिए तैयार दिखाई देने लगी थी। टीम में आत्मविश्वास दिखाई देने लगा था। आजाद का कहना है कि उस एक पारी ने ड्रेसिंग रूम में पूरा मूड ही बदल के रख दिया था। कप्तान ने हमें रास्ता दिखाया था, हमें बस उस पर चलना बाकी था। दुखद बात तो यह है कि ट्यूनब्रिज वेल्स की उस पारी को किसी भी कैमरे ने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि उस दिन बीबीसी की हड़ताल थी और मैदान पर एक भी कैमरा क्रू नहीं था। कपिल कहते हैं, मैं शायद अपने नाती पोतों को वो इनिंग्स दिखाता, अभी उन्हें बस स्कोर कार्ड देखने को मिलेगा। हालांकि एक पल ऐसा जरूर है जो सभी की यादों में बसा है और जिसे बार बार देखा गया है, विवियन रिचर्ड्स का कैच जो कपिल ने दौड़ कर लिया था। रिचर्ड्स अपनी फॉर्म में थे और मुझे पूरे मैदान में मार रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कुछ ज्यादा ही उत्साह में थे, और मैंने कपिल से एक एक्स्ट्रा ओवर मांगा। उसी ओवर में रिचर्ड्स एक पुल शॉट संभाल नहीं पाए और कपिल ने कैच लिया। मदनलाल बताते हैं, कपिल ने वो कैच पीछे भागते हुए लिया था। उनकी आंखें गेंद पर जमी हुई थी और एक समूचा देश अपनी सांसें रोके उन्हें देखे जा रहा था। जब उन्होंने उस कैच को पकड़ा तो वो एकदम शांत दिख रहे थे, मानो पूछ रहे हो इतना हल्ला क्यों हो रहा था। उन्होंने बस एक हल्की सी मुस्कान जाहिर की जब उनके साथी और मैदान में मौजूद कुछ दर्शक उनकी ओर बढ़ रहे थे। एक कठिन कैच बहुत ही आसान सा लग रहा था। एक बार फिर ये करने वाले कपिल ही थे। वो कैच और कपिल की वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाए तस्वीर देश की यादों में बसी हुई है, क्योंकि वो भारत में रंगीन टीवी में कैद होने वाली पहली लाइव यादों में से एक है। एक साल पहले ही 1982 में हुए एशियन गेम्स के दौरान रंगीन टीवी सेट्स इंडिया में आए थे। कलर टीवी सेट होना मध्यम वर्ग की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश हुआ करती थी। कपिल देव के ट्रॉफी उठाने के उन दृश्यों ने उपभोक्तावाद के उस दौर में कलर टीवी की चाह को और हवा दी। वर्ल्ड कप की जीत के बाद टीवी सेट्स की बिक्री में भारी इजाफा दर्ज किया गया। ये वो समय भी था जब देश में बहुत कुछ चल रहा था।